16 अगस्त 2021। आज हम जा रहे हैं एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ के ऊपर है, उसका नाम है दोहाया। तो हम गांव से 5 जन निकले हैं, अभी रास्ते में हैं। ये हम पहुंच गए कैसे बहाल से राइट टर्न ले लेंगे और जाएंगे। कैसा रास्ता है हमको तो मालूम नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम, देखते हैं। ये हम घुस गए उस रास्ते में जो हमको उस मंदिर का तलाश है, जो हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आज लास्ट हम बार है दोहाया मंदिर, जो आपको बताया था यही रास्ता है। उसका कोई भी उन्नतिकरण काम नहीं हुआ है अब तक, बहुत सारे लोग आते हैं बोल के सुना था। आज जाके देखने से पता चलेगा कितना लोग आते हैं, कितना अच्छा मंदिर है। आप लोगों को सब दिखाऊंगा, बहुत कीचड़ भरा रास्ता है। दूर है शायद। फाइनली हम पहुंच गए ऊपर, करीबन 500 फीट के ऊपर होगा मंदिर, और भी ऊपर है शायद। आप लोगों को दिखाऊंगा आगे। सीढ़ी का कोई सुविधा नहीं है। बहुत दूर तक आ गए हम ऊपर में, करीबन कितना फीट होगा रे? 1-2 किलोमीटर होगा। कितना फीट होगा ऊपर में? ऊपर में 1-2 किलोमीटर। चलो 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 आगे चलो। हाय। फाइनली अभी पहुंच गए हैं दोहाया मंदिर के ऊपर, पूरा चोटी में। आप देख सकते हैं कितना लाइन लगा हुआ है। हमारा भाई कुछ कहना हो, कहने के लिए बोल रहा है। मैं हूँ सतमान बाग। बोल बोल, क्या बोल रहा है? बोल। हाय दोस्तों, मैं हूँ सतमान बाग। मैं आया हूँ मेरा भैया के साथ, और इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। टापू जी पूरा 5-6 किलोमीटर से ज्यादा होगा पहाड़ी से, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे खड़ा है लोग, और आप लोग भी देख सकते हैं कितना ऊपर में है। जमीन दिख नहीं रहा है कि ये संबलपुर से आए हुए हैं बाबा लोग। भैया बना रहा है एक नया ब्लॉग। अलग भाई का एक यूट्यूब चैनल है और लोग आए हुए हैं दोबारा पे। हम जब आए थे तो देख रहे होंगे अच्छी तरह से नहीं आता होगा, उसमें से हम यहाँ ऊपर आए हैं। बहुत नीचे है ये, आपको बताया ना 500 फीट होगा शायद, 500 फीट होगा। हम आगे जाने
बनाने से दिखाऊंगा आपको। ये और एक भैया उनका ब्लॉग चैनल है। कौन सा ब्लॉग चैनल है भैया? कुमार के नाम से उसका ब्लॉग चैनल है। तो ये भी उनका लग रहा है वीडियो शूटिंग में लगे हुए हैं। दिखाऊंगा आगे जाके। ये बाबा का मंदिर बाबा जी कब से चालू हुआ है? पूजा कब से चालू हुआ है? 10 साल हो गया है वो चालू हुआ है। हनुमान जी भी आए हैं, पुलिस भाई भी लगे हुए हैं उनका काम में। अभी हम जाएंगे नीचे और नीचे का नज़ारा कैसा है आप लोग देख पाएंगे।